हेलो गाइस, अगर आप एटर्नस या फिर कोई भी होस्टिंग यूज करते हो जावा सर्वर के लिए और उस सर्वर के अंदर आप गीजर एमसी का प्लगइन डालते हो कि पॉकेट एडिशन के बंदे भी आपके सर्वर को ज्वाइन करके खेल पाए, पर गीजर एमसी का प्लगइन डालने के बाद भी आपको अनेबल टू कनेक्ट प्रॉब्लम आता है। मतलब बंदे जब भी ज्वाइन करते हैं तो उनके सामने अनेबल टू कनेक्ट टू वर्ल्ड लिख के आ जाता है और सर्वर ज्वाइन नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो मैंने कल लाइव होस्टिंग की वीडियो बनाई है जिसमें आप लोगों को फ्री का सर्वर मिलता है, उस होस्टिंग में जो हमारा लेटेस्ट वर्जन होता है 1.20.2 उसको हम लोग चेंज करके 1.20.1 या फिर कोई भी ओल्ड वर्जन में हम उसको कैसे चेंज करें वो पहले बताऊंगा, फिर अनेबल टू कनेक्ट वर्ल्ड का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अगर ओनली आपको अनेबल टू कनेक्ट टू वर्ल्ड वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, वहां तक स्किप कर लो और डायरेक्ट वीडियो को वहां से देखो। और अगर आपको दोनों सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना, और कोई एक सॉल्यूशन आपको परमानेंट मिल जाए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन में बस आपके लिए ला रहा हूं। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाओ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, वर्जन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्लाइस होस्टिंग के पैनल पे आ जाना है, और यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको इधर साइड में जो मेनू है इधर आप नीचे जाओगे तो यहां पे स्टार्टअप का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये वाला पेज आएगा जहां पे आपका वर्जन जो है वो लेटेस्ट लिखा हुआ है, मतलब कि 1.20.2 जो लेटेस्ट है वो हमारा सर्वर में है। तो हमें इसको चेंज करने के लिए इस पे क्लिक करना और इसको काट देना, और यहाँ पे आपको जो भी वर्जन डालना है वो वर्जन आपको इस पे दोबारा क्लिक करके यहाँ पे 1.20.1 लिख दो। अगर आपको कोई दूसरा वर्जन चाहिए जैसे 1.19.3 या फिर जो भी वर्जन चाहिए वो यहाँ पे लिख दो। लिखने के बाद ये 5-5 सेकंड में रिफ्रेश होते रहता है तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, आपको बस इतना लिख देना। और यहाँ पे आपका जो जावा 17 है ना इसको जावा 18 कर देना जिससे आपका सर्वर और थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। बस इतना करने के बाद फिर आपको यहीं पे आपको नीचे में थोड़ा और नीचे जाओगे तो सेटिंग दिखेगा, इस सेटिंग पे क्लिक करना है और सर्वर को रीइंस्टॉल पे क्लिक करके रीइंस्टॉल कर देना है। पहले आपको क्या करना है, वर्जन चेंज करना है और फिर सेटिंग में जाके सर्वर को रीइंस्टॉल करना है और जावा 18 भी कर लेना। तो सर्वर रीइंस्टॉल करने के बाद आपका थोड़ा ये पेज आएगा और 1 से 2 मिनट के अंदर ये पेज मतलब रीइंस्टॉल होकर आपका दोबारा यही वाला पेज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये वाला पेज दोबारा आएगा, मतलब कि रीइंस्टॉल हो चुका है। अब रीइंस्टॉल होने के बाद आपको दोबारा कंसोल पे जाना है और सर्वर को स्टार्ट पे क्लिक करके स्टार्ट करना है, और यहां पे अपडेट आने के बाद यहां पे आपको दोबारा एमएसएच स्टार्ट लिख के एंटर कर दो तब का सर्वर ये देखो 1.20.1 में स्टार्ट होने लगेगा, बट अभी भी स्टार्ट नहीं होगा, सब चीज प्रोसेस हो गया, लास्ट में ऑफलाइन ही हो जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा, पर फिर भी आपको ये वाला प्रोसेस करना जरूरी है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूं। तो देखो स्टार्ट करोगे ना तो आपका 1.20.1 में स्टार्ट होगा बट वो स्टार्ट नहीं होगा, लास्ट में ऐसे माइनक्राफ्ट सर्वर इज ऑफलाइन बोल के लिख के आ जाएगा, मतलब स्टार्ट नहीं होगा ऑफलाइन हो जाएगा। तो आपको फिर यहां पे स्टॉप पे क्लिक करके इसको पूरा स्टॉप कर देना है, यहां पे सर्वर मार्क्स एज ऑफलाइन लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको फाइल पे क्लिक करके फाइल के अंदर जाना है, और फाइल के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क दिखेगा, इस पे टिक करोगे तो सारा फाइल एक साथ टिक हो जाएगा, और उसके बाद डिलीट पे क्लिक करके सब फाइल को एक साथ डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर दो। इतना करने के बाद आपको फिर सेटिंग पे दिखेगा, सेटिंग पे क्लिक करके दोबारा सेटिंग में जाना है और दोबारा से अपने रीइंस्टॉल सर्वर पे क्लिक करके इसको दोबारा से रीइंस्टॉल करना है, मतलब एक बार आपको सर्वर 1.20.1 में करके रीइंस्टॉल करना है और उसके बाद सर्वर को दोबारा स्टार्ट करना है और फिर आप सारे फाइल को डिलीट करके दोबारा इसको रीइंस्टॉल करना है। तो जब आप दोबारा इसको रीइंस्टॉल करोगे तो अब दोबारा रीइंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आप चुपचाप कंसोल पे जाओ और यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करो, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एमएसएच स्टार्ट लिख के एंटर कर दो, और अब देखो आपका सर्वर स्टार्ट होता है कि नहीं, लेट्स सी। यहाँ पे तो 1.20.1 में स्टार्ट हो रहा है पर लास्ट में ऑफलाइन लिख के आता है या फिर ऑनलाइन वो देखते हैं। तो अब देखो जो लास्ट टाइम ऑफलाइन लिख के आया था वो अब ऑनलाइन लिख के आ चुका है, अब आपका सर्वर 1.20.1 में स्टार्ट हो चुका है, आप इजीली सर्वर को ज्वाइन करके खेल पाओगे इस आईपी के थ्रू। बट आपको फिर यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके फाइल में जाना है, और आपको नीचे जाओगे तो सर्वर प्रॉपर्टीज दिखेगा, इस पे क्लिक करके इस पे जाना। और अगर आप चाहते हो कि आपके बंदे सर्वर में टी लॉन्चर वाले बंदे क्रैक वाले बंदे भी खेल पाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा, थोड़ा नीचे जाओगे यहाँ पे ये ऑनलाइन मोड ट्रू है तो इसको आपको ट्रू को काट के फॉल्स कर देना, और यहाँ पे मैक्स 20 प्लेयर है तो आपको इसको जितना करना चाहो उतना कर दो, मैं 50 कर देता हूँ, और इसको फिर करने के बाद सेव पे क्लिक कर दो, बस ये हो गया। अब आप सर्वर को रिस्टार्ट करोगे तो टी लॉन्चर वाले बंदे भी खेल पाएंगे और मैक्स प्लेयर 50 हो जाएगा। अब आते हैं अनेबल टू कनेक्ट वाले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको, अगर आप एटर्नस में हो तो आप एटर्नस में जो जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाल लो, बाकी अलग होस्टिंग में हो तो आप गूगल में जाओ और यहाँ पे आप सर्च करो गीजर एमसी, गीजर एमसी सर्च करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे क्लिक करके डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको डाउनलोड गीजर एंड डाउनलोड फ्लूटगेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको एक एक करके यहाँ पे दोनों डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो नहीं कर रहा हूँ, आपको
एक एक करके दोनों पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, दोनों को डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सर्च करना VIA VIA वर्जन प्लगइन लिख के सर्च करोगे तो आपको ये आएगा। इसको आप एक पेज में ओपन कर लेना और फिर आप नेक्स्ट पेज टैब में VIA बैकवर्ड लिखना, VIA बैकवर्ड प्लगइन लिख के इस पे क्लिक करना और इसको ओपन करोगे तो ये देखो ये 4.9.0 वर्जन है और ये जो VIA वर्जन है 4.9.2 है, तो दोनों का सेम वर्जन होगा तभी आपका ये वर्क करेगा। तो अब यहाँ VIA वर्जन के वर्जन हिस्ट्री पे जाओ और यहाँ पे देखोगे तो 4.9.0 है ही नहीं, तो आपको क्या करना है 4.8.1 यहाँ पे भी है और वर्जन हिस्ट्री में यहाँ पे जाके देखो तो VIA बैकवर्ड का भी 4.8.1 है। तो आपको दोनों के 4.8.1 वाले को डाउनलोड कर लेना है और मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दोनों ऑलरेडी डाउनलोड है। तो आपको यहाँ से भी 4.8.1 दोनों डाउनलोड करना है, मतलब VIA वर्जन भी 4.8.1 होना चाहिए और VIA बैकवर्ड भी 4.8.1, मतलब दोनों का वर्जन सेम होना चाहिए। और गीजर का स्पीकर फाइल और गीजर फ्लूटगेट का स्पीकर जार को डाउनलोड करो, बस ये चारों प्लगइन डाउनलोड कर लेना। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके टिकट ओपन करना और मेरे स्टाफ से मांगना ये प्लगइन चाहिए, वो लोग आपको ये सारे प्लगइन दे देंगे। तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना और वहां डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल पे क्लिक करके फाइल के अंदर जाना है और फिर प्लगइन पे क्लिक करके प्लगइन के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड पे क्लिक करना है और आपने जो भी चारों प्लगइन डाउनलोड किया उन चारों को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना, तो ये चारों यहाँ से अपलोड होने लगेगा और बस थोड़े टाइम में ये आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है कितना स्पीड में होगा, तो ये ऐसे चारों अपलोड हो जाएगा। तो इन चारों जार फाइल को अपलोड करने के बाद फिर कंसोल पे क्लिक करना और अपने सर्वर को यहाँ पे अगर स्टार्ट है तो रिस्टार्ट कर लेना और अगर ऑफलाइन है तो स्टार्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं रिस्टार्ट करूंगा तो भी मेरे को एक बार MSH स्टार्ट लिखना पड़ेगा, तो वो पहले लिख लेते हैं और सर्वर को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद दोबारा मिलते हैं। तो ये देखो ये ऑटोमेटिक आ चुका, मतलब फिर जब MSH स्टार्ट लिखना है तो मैंने लिख दिया, अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा, तो स्टार्ट होने देते हैं फिर मिलते हैं, देखते हैं अब हमारा पॉकेट एडिशन से ज्वाइन होता है कि नहीं। बट उससे पहले आप लोग यहाँ पे IP देख लो, UK-01.contabo.1 ये IP है और 24220 पोर्ट है, यही IP मैं पॉकेट से ज्वाइन करके दिखाऊंगा कि ज्वाइन होता है कि नहीं, लेट्स सी। ये देखो हमारा सर्वर यहाँ पे ऑनलाइन हो चुका है, तो अब मैं पॉकेट से ज्वाइन करके दिखाता हूँ सेम IP को कि ज्वाइन होता है कि नहीं, लेट्स सी। सब लेटेस्ट वर्जन सेम वर्जन का VIA वर्जन VIA बैकवर्ड सब चीज सही से डाल दिया है, तो अब देखते हैं ज्वाइन होता है कि नहीं, लेट्स गो। ये देखो यहाँ पे हमारा माइनक्राफ्ट ओपन हुआ, हम यहाँ पे प्ले पे क्लिक करते हैं और सर्वर पे जाते हैं और यहाँ पे सर्वर पे हमारा स्लाइस होस्टिंग का ऑलरेडी है। एडिट पे मैं आपको IP भी दिखा देता हूँ एडिट करके, ये देखो UK-01.contabo.1242220 पोर्ट है, इसको मैं सेव पे क्लिक करके सेव किया, इस पे क्लिक करके ज्वाइन सर्वर पे क्लिक करता हूँ और अब हमारा सर्वर ज्वाइन होगा या फिर अनेबल टू कनेक्ट टू वर्ल्ड लिख के आएगा, वो आप लोग खुद ही देख लो। हमने सब लेटेस्ट और सही से डाला है, फिर भी हमारा यहाँ पे लिख के आ चुका है अनेबल टू कनेक्ट टू वर्ल्ड, मतलब कि ज्वाइन नहीं हुआ। तो आगे इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है चलिए वो जानते हैं। तो उसके लिए आपका जो भी होस्टिंग है अटेंडेंस या फिर कोई भी, उसके पैनल में जाओ, उसके पैनल में जाने के बाद आप प्लगइन पे क्लिक फाइल पे क्लिक करके फाइल के अंदर जाओ और फिर आपको प्लगइन का फाइल दिखेगा उस पे क्लिक करके उसके अंदर जाओ और यहाँ पे आपको गीजर स्पीकर का जार फाइल दिखेगा उस पे क्लिक करके उसके अंदर जाओ और इसके अंदर जाने के बाद आपको config.yml दिखेगा इस पे क्लिक करके इसके अंदर जाना है और यहाँ पे अब आपको छोटे मोटे चेंजेस करने हैं जिससे आपका ये परमानेंट सॉल्व हो जाएगा, कभी आपको अनेबल टू कनेक्ट टू वर्ल्ड लिख के नहीं आएगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है देखो, सबसे पहले तो आपको अपने IP को कॉपी कर लेना है, ठीक IP को कॉपी कर लो और वहां पे आपको देखो यहाँ बैडडॉग है, बैडडॉग में जो पोर्ट लिखा है ये गीजर का पोर्ट है, तो आपको क्या करना है इस पोर्ट को काटना है सेम यहीं पे और अपना पोर्ट लिख देना। तो मेरा पोर्ट है 24220, तो मैंने लिख दिया 24220, ये देखना डैश के बाद एक गैप होना चाहिए उसके बाद पोर्ट होगा ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपका क्लोन रिमोट पोर्ट जो है अगर ये ट्रू है तो इसको फॉल्स कर देना, बट ये फॉल्स है तो इसको फॉल्स ही रखना, ट्रू मत करना, ये फॉल्स होना चाहिए। और ये फॉल्स करने के बाद आपको फिर नीचे जाना है, आपको यहाँ पे एड्रेस दिखेगा और यहाँ एड्रेस में ना आपको ऑटो जो है ऑटो को काट देना है और जो आपका IP एड्रेस है उस IP एड्रेस को यहाँ पे लिख देना है, बस IP एड्रेस, उसमें पोर्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो हमारा IP एड्रेस है UK-01.contabo.1, तो मैंने ऑटो काट के अपना IP यहाँ पे लिख दिया, आप भी लिख देना। और इस एड्रेस के नीचे एक और पोर्ट है, तो इस पोर्ट के जगह क्या करना है ना, आपका 25565 है तो आपको यहाँ पे कर देना 25575, ये पता नहीं क्यों बट ये करोगे तभी आपका परफेक्ट वर्क करेगा, तो 25575 इसको कर देना। और उसके बाद आपको ऑथ टाइप है तो इसके ऑथ टाइप के ऑनलाइन को काट देना और यहाँ पे लिख देना FLOODGATE फ्लूट गेट लिख दो और उसके बाद एलो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को 2 को काट के यहाँ पे फॉल्स कर दो, बस
इतना सेटिंग कर दो आपका काम कंप्लीट। अब यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करके सेव करो, और सेव पे क्लिक करके सेव होने के बाद कंसोल पे क्लिक करके कंसोल में जाओ और एक आखिरी बार सर्वर को रिस्टार्ट कर लो। और अब आपका सर्वर स्टार्ट होगा और मैं आपको सर्वर ज्वाइन करके दिखाता हूँ कि एक बार में सर्वर ज्वाइन होता है कि नहीं, या फिर अनेबल टू कनेक्ट टू वर्ल्ड आता है। पहले यहाँ पे MSH स्टार्ट लिखे इंटर कर दो। सर्वर स्टार्ट हो रहा, मैं ये बता दूं कि मैंने जो ये स्लाइव होस्टिंग का बताया था कि बंदे ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और बंदे नहीं खेलेंगे तो ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा, बट ये स्टार्ट ऑटोमेटिक तब होगा जब जावा वाले बंदे ज्वाइन करेंगे तब सर्वर ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। पॉकेट वाले डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करते, वो गीजर के थ्रू ज्वाइन करते हैं, गीजर प्लगइन के कारण। तो इस कारण से अगर पॉकेट एडिशन के बंदे ज्वाइन करेंगे तो आपका सर्वर ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगा, बट अगर आप पोजावा लॉन्चर वाले बंदे हो, और पोजावा लॉन्चर आज तक मैंने ट्राई नहीं किया है, तो आई थिंक पोजावा लॉन्चर वाले बंदे अगर ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो भी आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। बस पॉकेट वालों को थोड़ा दिक्कत है, पॉकेट वाले जब सर्वर स्टार्ट होगा तभी खेल पाएंगे, वो खेलने जाएंगे तो ऑटोमेटिक सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। बस इतना बताना था, बाकी जावा वाले या पोजावा वाले खेलने की कोशिश करेंगे तो अगर आपका सर्वर भी है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा स्लाइज होस्टिंग के सर्वर में ओनली। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए अब सर्वर स्टार्ट करते हैं, फिर हम पॉकेट से ज्वाइन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो चुका है, तो अब मैं पॉकेट से ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ कि ज्वाइन होता है कि नहीं। लेट्स गो। ये देखो ये हमारा पॉकेट एडिशन का अकाउंट है, यहाँ प्ले पे मैं क्लिक किया, सर्वर पे क्लिक किया, ये स्लाइज होस्टिंग का आईपी देख लो, सेम आईपी है UK.condevo.1.24220। इसको मैं सेव किया, इस पे क्लिक किया तो देखो अब पहले ही यहाँ पे 50 बंदे हैं वो दिखाने भी लगा। और अब मैं जॉइन सर्वर पे क्लिक करूंगा तो एक बार में जॉइन हो जाएगा, जो आपका अनेबल टू कनेक्ट टू वर्ल्ड का प्रॉब्लम आता है वो परमानेंट के लिए फिक्स हो जाएगा, कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं आएगा अगर आप इस सॉल्यूशन को करोगे तो। भले कहीं भी आप वीडियो देखो, कोई भी टिकट लगाओ, ठीक होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर इस ट्रिक से आपका 100% ठीक हो जाएगा। और आप देखो अब हमारा माइनक्राफ्ट जॉइन हो गया, अब आप खेलो एंड एंजॉय करो पॉकेट से, भले आपका होस्टिंग अटेंडेंस है या फिर कोई भी है, डोंट वरी आपका सर्वर जॉइन हो जाएगा एंड आप अपने सर्वर को एंजॉय कर पाओगे बूम बाम। और अब आप पॉकेट एडिशन के प्लेयर हो या बैडलॉग के प्लेयर, ये दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शर्माओ मत और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतने मस्त कंटेंट का इससे भी ज्यादा मस्त कंटेंट अभी मेरे चैनल पे आने वाले हैं। तो देर मत करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय।